सोचो आप अपनी पसंदीदा इम्पोर्टेड चॉकलेट खरीद रहे हैं, अचानक उसकी कीमत ज्यादा है। क्यों? इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन इसका कारण हो सकता है। ऐसा तब होता है जब हम दूसरे देशों से जो सामान खरीदते हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन हमारे पहनने वाले कपड़ों से लेकर हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर चीज को प्रभावित करता है। इसके कारणों को समझने से हमें कीमतों में इन बढ़ोतरी से निपटने में मदद मिल सकती है। आइए उन कारकों के बारे में गहराई से जानें जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन को बढ़ावा देते हैं और ये हमारे बटुए को कैसे प्रभावित करते हैं। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन के सबसे बड़े कारणों में से एक है एक्सचेंज रेट। यह एक देश की मुद्रा की दूसरे देश की मुद्रा के मुकाबले कीमत होती है। जब हमारी मुद्रा हमारे व्यापारिक भागीदारों की मुद्राओं के मुकाबले कमजोर होती है तो सामान आयात करने में ज्यादा लागत आती है। इसे ऐसे समझें, अगर भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो हमें अमेरिका से उतनी ही मात्रा में सामान खरीदने के लिए ज्यादा रुपये की जरूरत होती है। इससे आयात महंगा हो जाता है जिससे इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होता है। एक्सचेंज रेट कई कारकों से प्रभावित होता है जिसमें ब्याज दरें, आर्थिक विकास और सरकारी नीतियां शामिल हैं। इन कारकों को समझने से हमें आयात कीमतों में संभावित उतार चढ़ाव का अनुमान लगाने में मदद मिल सकती है। हम जो सामान आयात करते हैं उनमें से कई कच्चे माल या तेल, धातु और कृषि उत्पादों जैसी वस्तुओं पर निर्भर करते हैं। जब इन वस्तुओं की वैश्विक मांग बढ़ती है तो उनकी कीमतें भी बढ़ती हैं। इनपुट लागत में ये वृद्धि अक्सर उपभोक्ताओं को आयातित वस्तुओं की ऊंची कीमतों के रूप में दी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो यह दुनिया भर में वस्तुओं के उत्पादन और परिवहन की लागत को प्रभावित करता है। इससे गैसोलीन से लेकर प्लास्टिक उत्पादों तक आयातित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला की कीमतें बढ़ सकती हैं। वैश्विक कमोडिटी बाजारों पर नजर रखने से आयातित वस्तुओं पर संभावित मूल्य दबावों में अंतर्दृष्टि मिल सकती है। टैरिफ और कोटा जैसी व्यापार नीतियां भी इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन को प्रभावित कर सकती हैं। टैरिफ आयातित वस्तुओं पर लगाए गए कर हैं, जबकि कोटा आयात की जा सकने वाली वस्तुओं की मात्रा को सीमित करता है। ये उपाय अक्सर घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए किए जाते हैं, हालांकि वे उपभोक्ताओं के लिए उच्च कीमतों का कारण भी बन सकते हैं। जब आयातित वस्तुओं पर टैरिफ लगाया जाता है तो व्यवसाय अक्सर इन अतिरिक्त लागतों को उपभोक्ताओं पर डाल देते हैं। इसी तरह कोटा आपूर्ति को सीमित कर सकता है और कीमतों में वृद्धि कर सकता है। हाल ही में महामारी के दौरान अनुभव की गई वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान बाधाएं पैदा करके और परिवहन लागत में वृद्धि करके आयातित मुद्रास्फीति में भी योगदान कर सकती है। भाग 5, परिवहन लागत, फैक्ट्री से कंस्यूमर तक एक कीमत पर। फैक्ट्री से आपके दरवाजे तक सामान पहुंचाने में परिवहन लागत शामिल है। ये लागतें जिसमें शिपिंग, बीमा और हैंडलिंग शुल्क शामिल हैं, ईंधन की कीमतों, शिपिंग मार्गों और भू राजनीतिक घटनाओं जैसे कारकों से प्रभावित होती है। जब परिवहन लागत बढ़ती है तो यह आयातित वस्तुओं की अंतिम कीमत को सीधे प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, ईंधन की कीमतों में वृद्धि से शिपिंग लागत बढ़ सकती है जिससे उपभोक्ताओं के लिए आयातित सामान अधिक महंगा हो जाता है। जैसे जैसे वैश्विक व्यापार बढ़ता है और आपूर्ति श्रृंखलाएं अधिक जटिल होती जाती हैं, आयातित मुद्रास्फीति में परिवहन लागत की भूमिका को समझना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भाग 6, डोमिनोज प्रभाव, आयातकों से आपके बटुए तक। आयातित मुद्रास्फीति केवल आयातित वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित नहीं करती है, इसका पूरी अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। जब व्यवसायों को उच्च आयात लागत का सामना करना पड़ता है तो वे अक्सर इन लागतों को अपने उत्पादों और सेवाओं के लिए उच्च कीमतों के माध्यम से उपभोक्ताओं पर डाल देते हैं। इससे उपभोक्ता क्रय शक्ति में कमी आ सकती है, क्योंकि लोगों के पास अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करने के लिए कम पैसे होते हैं। कुछ मामलों में आयातित मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में समग्र मुद्रास्फीति में भी योगदान कर सकती है। आयातित मुद्रास्फीति व्यापक अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है, ये समझना नीति निर्माताओं और उपभोक्ताओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 7, आयातित मुद्रास्फीति का मुकाबला, एक बहुआयामी चुनौती। आयातित मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सरकारें विनिमय दरों को स्थिर करने, आयातित वस्तुओं पर निर्भरता कम करने और अनुकूल व्यापार समझौतों पर बातचीत करने के लिए नीतियां लागू कर सकती हैं।
व्यवसाय अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और मुद्रा में उतार चढ़ाव के खिलाफ बचाव के तरीके तलाश सकते हैं। उपभोक्ता अपने खर्च करने की आदतों के प्रति सचेत रहकर और जब भी संभव हो घरेलू स्तर पर उत्पादित विकल्पों को चुनकर भी भूमिका निभा सकते हैं। एक साथ काम करके हितधारक आयातित मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं और अधिक स्थिर और टिकाऊ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकते हैं। भाग 8, बड़ी तस्वीर, वैश्विक अन्योन्याश्रयता को समझना। आयातित मुद्रास्फीति वैश्विक अर्थव्यवस्था की परस्पर संबद्धता पर प्रकाश डालती है। दुनिया के एक हिस्से में होने वाली घटनाओं के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं जो अन्य देशों में कीमतों और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। व्यापार, निवेश और आर्थिक नीति के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए इन वैश्विक संबंधों को समझना महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे वैश्विक व्यापार का विस्तार जारी है, आयातित मुद्रास्फीति द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को पहचानना और उन्हें दूर करना और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। भाग 9, एक वैश्वीकृत दुनिया में आयातित मुद्रास्फीति। आज की वैश्वीकृत दुनिया में जहां वस्तुएं और सेवाएं सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती हैं, आयातित मुद्रास्फीति एक ऐसी वास्तविकता है जिसे हमें नेविगेट करना सीखना चाहिए। इसके कारणों और परिणामों को समझकर हम अपने खर्च करने की आदतों, व्यावसायिक रणनीतियों और आर्थिक नीतियों के बारे में अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। आयातित मुद्रास्फीति को संबोधित करने के लिए सरकारों, व्यवसायों और उपभोक्ताओं से अधिक स्थिर और समृद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। भाग 10, आगे का रास्ता, एक कनेक्टेड अर्थव्यवस्था में मूल्य दबाव को नेविगेट करना। जैसे जैसे हम तेजी से परस्पर जुड़ी दुनिया में आगे बढ़ते हैं, आयातित मुद्रास्फीति एक प्रासंगिक आर्थिक कारक बनी रहने की संभावना है। वैश्विक रुझानों के बारे में सूचित रहकर, जोखिमों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करके और सहयोग की भावना को अपनाकर हम इन मूल्य दबावों को नेविगेट कर सकते हैं और एक अधिक लचीला और टिकाऊ भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है। आयातित मुद्रास्फीति को समझकर हम खुद को ऐसे सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाते हैं जो हमारे व्यक्तिगत वित्त को लाभान्वित करते हैं और एक स्वस्थ वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं।